हे गाइस, दिस इज रिद्धि एंड वेलकम टू टेलीचेस्कर। आज हमारे साथ है लॉकडाउन के बाद क्रैकडाउन सीरीज में दिखने वाले विपिन भारद्वाज। सो विपिन, वेलकम टू टेलीचेस्कर। एंड सबसे पहले ये बताइए कि सीरीज अब आ चुकी है लॉकडाउन के बाद, तो कितना अच्छा लग रहा है? यार बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज रिव्यू बहुत अच्छे मिल रहे हैं एंड शो भी बहुत अच्छा बना है। एंड मेरी पहली सीरीज है OTT के लिए और वो भी इतने बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने मुझे चांस दिया, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड प्लीज़ वॉच क्रैकडाउन। यस, एंड टैगलाइन की बात करें तो वो भी काफ़ी अलग है। सो ये कैसे दिमाग में आया? ये तो सर ने डिसाइड किया होगा या बूट वालों ने डिसाइड किया है। पहले इसका नाम कुछ और था, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट या सर ने डिसाइड किया एंड वूट वालों ने डिसाइड किया होगा। इतना हम लोगों को नहीं मिलता है चांस कि हम लोग कुछ बोलें, बट या लॉकडाउन के बाद क्रैक डाउन। सो आपके कैरेक्टर की बात करें तो उसमें आप एक रॉ ऑफिसर की तरह नज़र आ रहे हैं, तो उसको प्रिपेयर करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो आपके लिए कितना मुश्किल था इस कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करना? मैं पहले से ही एथलीट हूँ और सर ने हमें ट्रेनिंग दी है 1 महीने की, तो गन ट्रेनिंग, कैसे मार्शल आर्ट करना है, ये सब चीज़ की ट्रेनिंग हम लोगों को मिली। फिर उसके बाद बार बार उन्होंने स्क्रिप्ट पे बिठाया हम लोगों को, रीडिंग हुई सब कैरेक्टर्स के साथ, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। उन्होंने पहले से ही इतनी प्रिपरेशन की हुई थी कि हम लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। और तो हमारे डायरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने सब कुछ प्लान किया हुआ था। हम लोगों को नहीं पता था इतना ईजी निकल जाएगा शूट। 8 से 10 घंटे शूट किया उन्होंने, बिकॉज वो प्लान थे पहले से कि हाँ मुझे इतना ही चाहिए, दैट्स इट। तभी उन्होंने जो प्री प्रोडक्शन में वर्क था, जैसे हमारी ट्रेनिंग करवाई उन्होंने, उसके बाद हम लोगों की रीडिंग साथ में कराई, सब कैरेक्टर से हम लोग मिले, तो हम लोगों को पता चल गया कि अच्छा उसने ऐसे किया है, ऐसे किया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मन में आए तो हम लोगों ने सर से पूछा और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो शूट पे जाने से पहले ही हम लोग क्लियर हो गए थे, बिकॉज हमारे डायरेक्टर बहुत स्ट्रांग हैं। यस, एंड कहा यह भी जाता है कि अगर डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू एंड डायरेक्टर स्ट्रांग हो तो शूट और बाकी चीज़ें ईजी हो जाती है। बहुत इजी था, बहुत मस्ती की हम लोगों ने और सेट पे बहुत ही अच्छा माहौल था, बिकॉज सर मस्ती में ही काम करते हैं। बट यस, जब उनको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, जब कुछ भी अगर उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा हो जाता था, बट हमने बहुत सारे गेम्स खेले और बहुत मस्ती की सर। या सो अब बात करें तो वेब सीरीज वर्सेस टीवी वर्सेस बॉलीवुड काफ़ी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो OTT पर रिलीज हो रही है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? OTT इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कमर्स एंड एवरीवन, बिकॉज अभी थिएटर में क्या होता है कि आप लोगों को मीन्स हम इसमें पकड़ना पड़ता है आपको ऑडियंस को OTT में, और ईजी अवेलेबल है। अगर आपको फ़ोन पे देखना है तो फ़ोन पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, आप अकेले भी देख सकते हैं। अगर आप फिल्म में जाते हो तो आप पॉपकॉर्न लेते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो या किसी के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, और 200 लोगों के साथ देखते हो, तो उसमें गाना होता है, मस्ती होती है, तो वो अलग चीज़ है। और OTT में आपको पकड़ना पड़ता है ऑडियंस को, सो डिफ़िकल्ट भी है बट ईजी टू एक्सेस है। अभी किसी को भी देखना है, अकेले देखना है तो अकेले देख सकता है, फ़ोन पे देख सकता है, लैपटॉप पे देख सकता है, तो एक्सेस बहुत ईजी है। OTT ऑल्सो इज़ अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म एंड या थिएटर ऑल्सो। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी पड़ जाती है अगर हम देखने जाएंगे OTT पे, जो एक्टर्स है काफ़ी पुराने एक्टर्स भी है वो भी OTT पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? बिकॉज OTT पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आपके पास टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है, आपको हर कैरेक्टर का ब्रीफ मीन्स आप अपने कैरेक्टर को दिखा सकते हो, बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे में आपको कई बार क्या होता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी कम दिखा सकते हो आप, बट सीरीज़ में ऐसा है कि आप एक हर कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस दिखा सकते हो, तो इसलिए हर आर्टिस्ट चाहता है कि हम OTT करें, वेब सीरीज़ करें, बिकॉज हमारे कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो तभी हर इंसान अभी OTT पे आ रहा है, बिकॉज उनको भी चाहिए कि कुछ अच्छा करें, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ही हीरो होता है, सब कैरेक्टर को भी नोटिस किया जाता है। सो OTT में ये सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट को यही फ़ायदा है कि उनको फुटेज बहुत अच्छा मिलता है, उनको कैरेक्टर को दिखाया जाता है, तो दैट्स व्हाई मे बी।
ओके एंड बात करें आपके इंस्पिरेशन अक्षय कुमार है सो इस उन्होंने काफ़ी सोल्जर वाली एंड ऑफिसर वाली मूवीज़ की और आप भी रॉ ऑफिसर बने हैं तो ये वहाँ से इंस्पिरेशन आया क्या ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ मैं फिट रहना चाहता हूँ उनकी तरह बिकॉज वो बहुत ही फिट हैं और मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे हैं तो मैं भी क्लासेस लेता हूँ मार्शल आर्ट की एंड वो हर कुछ भी कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने रॉ के ऊपर ही किए तो मैं भी उनकी तरह हर तरह के कैरेक्टर करना चाहता हूँ। यस मुझे पहला कैरेक्टर रॉ ऑफिसर मिला बिकॉज मेरी फिजिक एंड मेरा लैंग्वेज और जिस टाइप का मैं कैरेक्टर मीन्स रियल लाइफ में हूँ तो उससे थोड़ा मिलता जुलता ही था तो न्यू कमर हूँ और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ चांस मिला मे बी अच्छा ही अगर मैं अक्षय कुमार को फॉलो करता हूँ और मैंने ये चीज़ें पहले से स्टार्ट की हुई है तो मुझे बहुत हेल्प कर रही है। सो आपकी पूरी जर्नी देखने जाएंगे तो आपने मॉडलिंग की है एंड देन उसके बाद में आपने म्यूजिक वीडियोस भी किए और अब आप एक्टिंग में जा रहे हैं तो वो जो एक चेंज होता है वो मतलब जो एक हम बोलते हैं कि हमारा सफ़र होता है अपने करियर में तो वो किस तरह का रहा आपका? मेरा तो एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहा है बिकॉज फर्स्ट मैंने आते ही थिएटर किया देन उस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरा पहला प्ले है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है उसमें प्रोसेस हुआ और सब चीज़ें निकली फिर मुझे म्यूज़िक वीडियो मिला तो मुझे लगा यस अभी मैं मतलब लोग मुझे देखेंगे तो वाह उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। देन मैंने एक फिल्म की एंड अभी सीरीज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए अभी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए तो एक्साइटमेंट तो रहती है हर चीज़ की। अभी ऐसा कुछ देखा नहीं है कि अभी सब अच्छा चल रहा है यही बोल सकता हूँ। दैट्स नाइस एंड अगर आपको टीवी में मौका मिला एज लीड या विलन प्ले करने का तो आप करना पसंद करेंगे? क्या टीवी कौन नहीं करना चाहता है, आप रोज़ आपको पब्लिक पसंद करती है टीवी सब हम लोग हम आर्टिस्ट हैं हमें कोई भी कैरेक्टर मिलेगा या कुछ भी मिलेगा इसमें कोई लीड या वैसा कुछ है नहीं आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड यस टीवी भी एक अलग चीज़ है जो बहुत लोग पसंद करते हैं आज भी टीवी की इम्पोर्टेंस है ऐसा उसकी भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है रोज़ दिखते हो आप और आप फैमिलीज देखती हैं टीवी को ज़्यादा तो अच्छा है और कौन नहीं करना चाहता है टीवी सब करना चाहते हैं या सबकी चॉइसेस होती हैं बट मेरा ऐसा कुछ नहीं अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा है मेरा कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है सो वाई नॉट। ओके सो यहाँ यह कह सकते हैं कि आपको कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद है लाइक अलग अलग तरह के रोल करना ज़्यादा पसंद है। यस हम एक्टर्स का फ़ायदा ही है कि हम बहुत सारी लाइफ जी सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ मैं उनकी साइकी समझूँ उनके बारे में लर्न करूँ और फिर वो प्ले करूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड यस मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करता रहूँ जैसे अक्षय सर करते हैं। अक्षय सर दो वेल अब लास्टली आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? गाइस प्लीज़ वॉच क्रैकडाउन अमेजिंग सीरीज़ है एंड थ्रिलर है एक्शन है ड्रामा है सब कुछ है उसमें तो आप लोगों का अगर प्यार रहेगा तो हम लोगों को और भी ज़्यादा खुशी होगी और ज़रूरी आप देखिए प्लीज़ एंड प्लीज़ वॉच वॉन्टन ऑल्सो इट्स कमिंग ऑन 29 सितंबर ऑन MX प्लेयर सो थैंक यू सो मच एंड लव यू। अच्छा अच्छा आपने अब वॉन्टन का जिक्र कर लिया तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता के जाइए। अब वॉन्टन भी आज की टाइम की स्टोरी है जो अभी चल रहा है तो ये उन्होंने इंस्पायर्ड होके ट्रू इवेंट्स से लेके बनाया है तो हम चार लोगों के ऊपर है और वो ड्रग्स लेने की वजह से क्या क्या गलतियाँ करते हैं और क्या क्या मिस्ट्री होती है तो वो भी थ्रिलर है तो आप लोगों को वो भी देखनी चाहिए कि हम लोगों को क्यों ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए अच्छी चीज़ें करके भी बहुत अच्छी लाइफ जी जा सकती है सो वो सब आपको उसमें देखने को मिलेगा कि हम ये सब चीज़ें करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सो ये सब छोड़ो तो अगर जो करते भी हो अच्छी लाइफ जी हॉट टॉपिक है आजकल हाँ तो बस उसी के ऊपर है वो तो एक बार देखना और वो ट्रू इवेंट्स से ही लेके बनाई है उन्होंने इंस्पायर्ड होके नॉट ट्रू इवेंट्स या इंस्पायर्ड हुए उनसे और मेरे डायरेक्टर ने उसके ऊपर फिल्म बनाई है मैं उसमें नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ। Okay, so thank you so much for talking with us. And you guys stay tuned with Telichaska.